पवन सिंह अपने रिश्तों को लेकर हमेशा हो जाते हैं फेल, या यूँ कह ले कि चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे वो पत्नी हो, इस मामले में आकर क्यों फिसड्डी साबित हो जाता है भोजपुरिया का ये पावर स्टार। पवन सिंह के बारे में कहा जाता है वो यारों के यार हैं। अगर आप पवन सिंह के फ्रेंड हैं तो भाई आप समझ लीजिए, अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं तो उस मुसीबत को आप पवन सिंह के हवाले कर दीजिए, पवन सिंह उसका निवारण तुरंत निकाल लेते हैं। लेकिन जब अपने रिश्ते की बात आती है, जब अपने पर्सनल रिश्ते की बात आती है, तो उसमें पवन सिंह हमेशा से ही फेल हो जाते हैं। फिर चाहे उनकी पहली पत्नी रीना रानी की बात हो, दूसरी पत्नी नीलम की बात हो, और तीसरी पत्नी ज्योति सिंह की बात हो, या फिर उनकी प्रीवियस गर्लफ्रेंड रानी चटर्जी की बात हो, अक्षरा सिंह की बात हो, या फिर उनके कुछ ही वो रिश्ते जो कभी मीडिया में नहीं आए उनकी बात हो, हर में पवन सिंह अपना बेस्ट तो देते हैं लेकिन फिर भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिलता रिलेशन में जो कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को मिला हुआ है आम्रपाली के साथ। या यूँ कह ले कि पवन सिंह अपने रिश्तों के साथ उस तरह से नहीं खरे उतर पाते जिस तरह से उन्हें उतरना रहता है। इसके पीछे कई कारण दिए गए। इसके पीछे बताया जाता है कि पहला पवन सिंह का एटीट्यूड। पवन सिंह का एटीट्यूड अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड्स के साथ कभी भी अच्छा नहीं रहता। दूसरा कारण बताया गया कि पवन सिंह अपनी माँ को इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि ये सारे रिश्ते उनके सामने फीके और बेमानी लगते हैं। माँ ने अगर कह दिया दिन तो पवन सिंह रात को भी दिन कह देते हैं। और तीसरा कारण बताया जाता है कि जब भी पवन सिंह किसी भी रिश्ते में रहते हैं वो अपने काम को सबसे बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, काम के पीछे ही उनके लिए सब कुछ आता है। फिर वो चाहे उनका पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, वो हर एक चीज़ को ताक पर रख देते हैं अपने काम के लिए, अपने गानों के लिए, अपनी फिल्मों के लिए। उन्हें एक बात आप कह सकते हैं कि पवन सिंह जैसा कर्मठी और पवन सिंह जैसा बातों को रखने वाला इंसान पूरे इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन यही सारी क्वालिटीज़ उनके लिए माइनस साबित हो जाती हैं उनके पर्सनल रिश्ते में। फिर चाहे वो अक्षरा सिंह से उनका बिगड़ाव रहा हो, रानी चटर्जी से बिगड़ाव रहा हो, या फिर उनकी तीनों पत्नियों से, हाँ कहीं सुनी बात या दबी जबान में ये बात उभर रही है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन हाँ आप यहाँ ये कह सकते हैं कि कुछ इमेज धूमिल जरूर हो जाती है पवन सिंह की अपने इन रिश्तों की वजह से। तभी का इतना उन्हें प्यार और मोहब्बत मिलती है कि पवन सिंह फूले नहीं समाते। लेकिन आप यहाँ ये कह सकते हैं अगर पवन सिंह का प्रोफेशनल रिश्ता लोगों से है, वो लोगों के दोस्त हैं, तो वो उनके लिए सब कुछ है। लेकिन पर्सनल रिश्ते जहाँ जुड़ते हैं पवन सिंह के साथ, वो उनके साथ वो न्याय नहीं कर पाते जो न्याय पवन सिंह जैसे एक बड़े हस्ती को करना चाहिए। लेकिन इन सब सारी कमियों को हटा दिया जाए, पवन सिंह जैसा दिलदार, पवन सिंह जैसा सुपरस्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको। तभी तो सभी उनकी इतनी तारीफ करते हैं और वो सभी के चाहते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।